अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी तो मैंने सोचा चले मैं साथ ही व्लॉग भी बना लूं, साथ साथ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि किस तरह से यूके में लोग ग्रॉसरी करते हैं और किस तरह से शॉपिंग करने जाते हैं। ये देखें, ये आपको पार्किंग नज़र आ रही होगी। ये बेसमेंट में मोस्टली जो बड़े स्टोर हैं उनकी पार्किंग उनके बेसमेंट में होती है। ये बेसमेंट में हमने कार पार्क की है और उसके बाद हम लोग अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ट्रॉली लेनी होती है शॉपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग मोस्टली वीकली ग्रॉसरी करते हैं, एक हफ्ते का सामान इकट्ठा ले आते हैं घर में, सब्जियाँ, फ्रूट, दूध, दही वगैरह और जो भी घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये मैंने यहाँ से ट्रॉली पिक की है। ट्रॉली लेते वक्त आपको उसके अंदर पाउंड डालना पड़ता है। जो लोग यूके में रहते हैं उन्हें तो ऑलरेडी पता है, लेकिन मेरे जो ब्रदर सिस्टर्स जो पाकिस्तान में या दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, मैं उनके लिए इस बात को शेयर कर रही हूँ। पाउंड डाल के तो हम लोग ट्रॉली लेके सबसे पहले तो, क्योंकि पार्किंग बेसमेंट में थी तो हम लोग अब ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए हमें लिफ्ट लेनी पड़ती है क्योंकि ट्रॉली साथ होती है। अगर आपके पास ट्रॉली नहीं है या आपने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। ये हम अब एंटर हो चुके हैं स्टोर के अंदर। तो सबसे पहले जो चीज़ें रिड्यूस पे होती हैं या जिनकी प्राइस कम हुई होती है उनको डिस्प्ले पे लगाया जाता है। उसके बाद ये फ्रूट्स होते हैं, शुरू में इनकी भी प्राइस काफ़ी कम होती है। ये सुपर सिक्स के नाम से इनको लगाते हैं। इनकी चीज़ें डेली चेंज होती हैं क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डिफरेंट टाइप की आती हैं, तो ये पहले डिस्प्ले में जो रिड्यूस प्राइस वाले हैं जो फ्रेश फ्रूट्स वगैरह वो लगाते हैं। एज़ कम्पेयर टू दूसरी चीज़ों के या दूसरे फ्रूट्स के, इनकी कीमत ऑलमोस्ट हाफ़ प्राइस पे होती है। उसके बाद हम जो जो आगे जाते हैं तो आपको तमाम तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सब चीज़ें आपको नज़र आती हैं, तो आप साथ साथ पिक करते जाते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे ऑलमोस्ट सारी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट का सेक्शन सबसे पहले आता है किसी भी शॉपिंग स्टोर में। हर तरह का फ्रूट और हर तरह की वेजिटेबल आपको ऑलमोस्ट इनमें मिल जाती है। ये देखें, तीन चार किस्म के खरबूजे वगैरह भी पड़े हुए हैं, आप उसमें से अपनी चॉइस का पिक कर सकते हैं। हर तरह के सैलेड्स और वेजिटेबल्स, कुछ कटी हुई रखी होती हैं, कुछ साबुत रखी होती हैं, एवरीथिंग आपको पैकिंग में मिल जाएगा और बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है हर चीज़। फ्रूट वेजिटेबल्स का सेक्शन ऑलवेज़ ये अप टू डेट रखते हैं और उसमें बिल्कुल फ्रेश चीज़ें होती हैं। आपको इन स्टोरों में तकरीबन जो घर की ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है, फ्रूट वेजिटेबल से लेके किचन, लाउंड्री, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आप अंडर द वन रूफ आप बाय कर सकते हैं। हर बड़े स्टोर में तकरीबन एक एशियन सेक्शन भी ज़रूर होता है जिसमें आप अपनी पसंद की चीज़ें और जो एशियन चीज़ें हैं वो भी आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें एशियन चीज़ें, आटा, चावल, ये चीज़ें ख़रीदने में दिक्कत होती है क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं होती। लेकिन मोस्टली जो यूके के बड़े स्टोर्स हैं, ये देखें, हम लोग उस दिन आटा बाय करने आए थे। ये मैंने टेस्को से आटा लिया है, यहाँ का आटा सबसे अच्छा होता है। आटा, ऑयल, चावल, बेसन, हर तरह के मसाले, ये तमाम तरह की निमकोस, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है टेस्को से। टेस्को और एसडा, इनमें लाजमी वो एशियन चीज़ें होती हैं, अफ्रीकन, कैरिबियन, एवरी टाइप की चीज़ें इन्होंने रखी होती हैं। हर तरह के जूसेस हैं, ये देखें, ये ऑयल की बोतलें पड़ी हुई हैं। इस सेक्शन में आप किचन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आपको चाहिए होती हैं नाश्ते के लिए, बिस्किट, बाकर खानियाँ, रोटी, तकरीबन हर चीज़ ही पड़ी होती है। काफ़ी तरह के केक, केक रस, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है।
यहाँ से अब हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे क्योंकि मैं बच्चों के लिए यहाँ से लेके जाती हूँ बिस्किट वगैरह या बाकर खानी या केक रस वगैरह, तो हम लोग यहाँ पे खड़े तो वही डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी चीज़ लेनी है। मेन हम लोग उस दिन इस स्टोर पे आटा लेने गए थे, मैं कोई वीकली ग्रॉसरी नहीं करने गई थी क्योंकि आटा हम लोग हमेशा यहीं से लेते हैं। यहाँ पे अक्सर औकात इन्होंने चीज़ें काफ़ी लो प्राइस पे भी लगाई होती हैं, सेल पे भी होती हैं, आप गाए बगाए अगर चक्कर लगाते रहें तो आपको फिर काफ़ी रिड्यूस में मिल जाती हैं। राइस जिस तरह से हैं, इन्होंने अक्सर राइस के ऊपर काफ़ी ऑफरें लगाई होती हैं रमज़ान में, और साल में एक दो दफ़ा ये सारे राइस के पैकेट्स हैं। हर तरह की ब्रांड आपको मिल जाती है यहाँ से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि यूके में सबसे अच्छे राइस कौन से हैं, क्योंकि मैं एवरी टाइम जब जाती हूँ तो डिफरेंट टाइप के लेके आती हूँ और मुझे कुछ ख़ास पता नहीं चलता यहाँ पे सबसे अच्छे कौन से हैं। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यूके में सबसे अच्छे राइस कौन से मिलते हैं, कौन सी ब्रांड के हैं। तो यहाँ पर हम लोग राइस भी देख रहे थे कि कौन से वाले बाय करें, क्योंकि मुझे अब अच्छी तरह से याद नहीं कि हमने उस दिन राइस लिए थे या नहीं, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च कर रहे हैं कि कौन से पैकेट ऑफर पे हैं और कौन से नहीं हैं। कोहिनूर ये जो पर्पल कलर का आपको नज़र आ रहे हैं पैकेट्स, ये भी चावल अच्छे हैं लेकिन ये ज़्यादा खिले खिले नहीं बनते, मैं मोस्टली यही लेके आ जाती हूँ। ये देखें हर तरह के मसाले भी पड़े हुए हैं, ये सारा राइस देखें पड़ा हुआ है, हर तरह की ब्रांड है। ये सारे मसाला जात आपको नज़र आएंगे, मिर्चें हल्दी हर तरह की दालें सब कुछ अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्टोर पे कपड़े वगैरह भी मिलते हैं, कपड़ों का सेक्शन है, बच्चों के यूनिफॉर्म के सेक्शंस होते हैं। अंडे डबल रोटी ईच एंड एवरी थिंग आपको मिल जाता है। हर सेक्शन के ऊपर लिखा होता है, तो आप अगर बड़ा स्टोर है और आपको समझ नहीं आ रही कि आपने किस तरफ जाना है तो वो फिर सारे सेक्शंस के ऊपर लिखा होता है, मेंशन होता है कि ये बिस्किट्स का सेक्शन है या ये ड्रिंक्स का सेक्शन है, सब कुछ ऊपर मेंशन होता है। वैसे भी आप अगर स्टाफ से भी पूछें आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो वो फिर आपको बता देते हैं कि कहाँ पर पड़ी है। ये देखें सब तरह के शैम्पू पड़े हुए हैं, शैम्पू वगैरह भी अक्सर ऑफ़र पे लगे होते हैं। मैं शुरू से ही पैंटीन यूज़ करती हूँ अपने बच्चों के लिए अपने लिए, तो हम लोग पैंटीन के कंडीशनर्स और शैम्पू ही मैं हमेशा घर में लेके आती हूँ। कुछ लोग लिस्ट बना के ले आते हैं वीकली ग्रॉसरी की, उन्हें जिस तरह से ज़रूरत पड़ती है या घर में जिन जिन अशिया की कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए वो लिस्ट बना के ले आते हैं। हम लोग भी जब प्रॉपर तरीके से ग्रॉसरी करते हैं तो फिर हम लोग वीकली हिसाब से दूध दही ब्रेड अंडे जो भी चीज़ आपको चाहिए वो फिर हम ले जाते हैं, और बाकी चीज़ें गाये बगाए आप जैसे शैम्पू ऑयल और इस तरह की चीज़ें हैं वो जब आते जाते आप लोग ऑफ़र पे देखते हैं तो फिर उस तरह से हम लोग बाय कर लेते हैं। यहाँ पे दवाइयों का भी सेक्शन है, अगर किसी को कोई मेडिसिन चाहिए तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें कपड़ों के भी लगे हुए हैं रैक, लेकिन हमने कुछ नहीं बाय करना था, अब हम टेल की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे आप सेल्फ चेक इन भी कर सकते हैं और आप स्टाफ से भी करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरह के सेक्शंस होते हैं,
आजकल तो मोस्टली स्टोरों में उन्होंने 90-95% सेल्फ चेक इन कर दिया है। वहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं बैठा होता, आपने अपनी ग्रॉसरी को खुद ही चेक करके और पे करना होता है बाय कार्ड और कैश, जैसे भी आप चाहें। ये देखें, ये वाला भी रिड्यूस का सेक्शन है, क्योंकि ये देखें नैपीज और हर तरह की शैम्पू क्रीम सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। आई थिंक टेस्को और एजडा इस तरह के स्टोर हैं कि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ एक ही छत के नीचे मिल जाती है। ये अब हम लोगों की शॉपिंग डन हो गई थी, क्योंकि हमने ज़्यादा शॉपिंग उस दिन करनी नहीं थी, थोड़ी सी शॉपिंग की है। अब हम वापस अपने लिफ्ट की तरफ आ गए हैं और वहाँ से हमने ग्रॉसरी उठाई है और ट्रॉली में रखी है। ट्रॉली से उठा के कार में रख रहे हैं, कार से उठाएंगे तो घर में रखेंगे। बस इन चीज़ों में ही यहाँ पे यही कुछ होता है। और शॉपिंग करने जाएं ग्रॉसरी करते वक्त बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, और ग्रॉसरी को मैं कार के अंदर रखी है और उसके बाद हम लोग मैं ट्रॉली वापस रखने जा रही हूँ। ट्रॉली वापस रख के आते हैं तो फिर हम लोग देखें। अब ये बेसमेंट वाली पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ कितना अंधेरा था और बाहर हालांकि प्रॉपर दिन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद व्लॉग्स के लिए और नई नई रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके.